चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा राजेश मसाले, देश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है, मैं फल शेख। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरें। अयोध्या किसान सम्मान मेला तथा किसान मेला गोष्ठी दिवस किसान मेला प्रदर्शनी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र मसूधा अयोध्या में किया गया, जिसमें पशुपालन विभाग, मौसम विभाग, कृषि विभाग ने अपने कार्यों को इस मेले में कार्य करने के लिए अच्छी पहल की, जिसमें आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी, उत्पाद की योजना के अंतर्गत कृषक को यह जानकारी दी और सभी कृषक को चाहे वह ध्यान बैठाया हो चाहे जो फसल की पैदावार करता हो सभी को सम्मानित किया। उन्हें साल और सशक्त पत्र वितरण किया गया, जिसकी लागत प्रत्येक किसान के खाते में 3,30,000 रुपए दिलहर किसी के खाते में जमा की गई। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत टॉयलेट की देखरेख आंगनवाड़ी महिलाओं को दी गई। 118वां स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुज झा, जिला अधिकारी अयोध्या, विशिष्ट अतिथि बीकापुर विधायिका शोभा सिंह, प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह चौहान की उपस्थिति में सम्मान पत्र व योगदान दिया गया। मोहम्मद जसीम की रिपोर्ट। विधायक जी, यहाँ क्या कार्यक्रम था, कितने लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आज किसान मसीहा देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ लेखक, चिंतक और जिन्होंने निरंतर किसानों के हित की बात कही, ऐसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज 118वीं जयंती थी। इसको हमारी सरकार किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ मसूधा में किसान सम्मान दिवस के कार्यक्रम में किसानों को प्रमाण पत्र दिए गए। करीब 34 किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया, इसमें उनको धनराशि दी गई, सम्मान किया गया। इसमें चाहे पशुपालन विभाग के किसान रहे हों, चाहे पशु जिन्होंने दूध उत्पादन के माध्यम से, चाहे खेती के माध्यम से, चाहे और महिलाएं थी, उन्होंने कई किसानों के माध्यम से उनको सम्मान दिया गया। चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से और मेड़ों से होके गुजरता है। उन्होंने हमेशा किसानों के हित की बात कही। उन्होंने कई सारे ऐसे कानून बनाए जिससे देश के किसान आज भी लाभ पा रहे हैं। उसी के तहत हमारी केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर किसानों के हित की बात करती है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, चाहे ऋण माफ़ी की बात कर लीजिए, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात कर लीजिए, चाहे किसानों के सम्मान में नए बिल की बात कर लीजिए, जिससे किसानों का निरंतर सम्मान बढ़ता जा रहा है पूरे देश में। इसी के तहत वो पूरे किसानों का सम्मान बढ़ाने का कार्यक्रम है। और बताइए। ठीक।